स्वागत है दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आई बी पी एस पी ओ रिज़ल्ट के बारे में तो रिज़ल्ट आपका प्रीलिम्स हुआ था आपका ट्वेंटी सिक्स नवंबर को हुआ था तो आज तारीख देखा जाए तो आज अठारह तारीख़ है तो अठारह तारीख़ है अठारह चार आपका बाईस दिन हो चुका है तो एक आज डेट मैंने जैसे आपको बताया था सोलह से बाईस दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए आया नहीं ठीक है तो आज संडे है ऊपर से संडे तो कोई चांस नहीं बनता है आपका मंडे को एक चांस है कि रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा चांस है ठीक है तो नेक्स्ट वीक तो जो भी हालत में आपका आना है लेकिन मंडे को आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है रिज़ल्ट आने में ठीक है लेकिन ऐसा कब पहले देखा गया है टू थाउजेंड में शायद ठीक है ऐसा मतलब रिसेंटली एक दो साल में ऐसा हुआ है कि आपको सोलह से बाईस दिन के अंदर मैक्सिमम रिज़ल्ट आउट हो गया लेकिन तीन चार साल पहले बैक आप अगर आप जाएंगे तो मतलब एक महीना भी कभी कभी लगा है रिजल्ट आने में पच्चीस दिन तीस दिन भी लगा है कभी कभी ठीक है जो एवरेज अभी चला है और ये साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना सोलह से बाईस दिन के अंदर आपका सारा रिजल्ट आया आई बी क्लर्क हो गया आई बी पी एस आर हो गया ठीक है आई बी क्लर्क हो गया ठीक है तो ये सब पूरा सारा सोलह से बाईस दिन के अंदर आया लेकिन ये अभी तक कोई चांसेस अभी तक नहीं हुआ है तो कल एक्जैक्टली exactly आपका 22 दिन हो जाएगा ठीक है 22 दिन 23 दिन हो जाएगा तो कल एक एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है आने का देखिए आता है कि नहीं लेकिन मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जब भी आए आपका रिजल्ट तो ऑल द और अच्छे से इंटरव्यू के लिए आप लोग तैयारी करें